नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुंडलिनी के सात चक्र कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सात चक्र होते हैं। इन्हें सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन शक्तियों के इर्द गिर्द शरीर की ऊर्जा एकत्रित होती है। कुछ आदतों को नियंत्रित करके और ध्यान योग की सहायता लेकर इन चक्रों को जागृत किया जाता है। यदि यह चक्र एक बार जागृत हो जाए तो व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सात चक्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि वे कौन से हैं और उनका महत्व तथा प्रभाव क्या है और इन्हें कैसे जागृत किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही आवश्यक होने वाली है, तो इसे बहुत ही एकाग्रता के साथ देखिएगा। पहला चक्र है मूलाधार चक्र। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के आसपास होता है। इस चक्र को कुल कुंडलिनी का मुख्य स्थान कहा जाता है। इसका एक और नाम है भौम मंडल। इसका बीज अक्षर लंग है और इसका चोकर तथा सूर्य के समान उगते हुए स्वर्ण वर्ण का होता है। भौतिक रूप से सुगंध और आरोग्य इसी चक्र से नियंत्रित होते हैं। आध्यात्मिक रूप से यह चक्र धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को नियंत्रित करता है। व्यक्ति के अंदर अधिक भोग और आध्यात्मिक इच्छा इसी चक्र के कारण आती है। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। मनुष्य तब तक पशुबत है जब तक इस चक्र में जी रहा है, इसलिए भोग, संभोग, निद्रा पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना परम आवश्यक है। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। इस चक्र को तामसिक चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र मूल से चार अंगुल ऊपर स्थित होता है और इसकी छह पंखुड़ियां हैं। इस चक्र का बीज मंत्र वंग है। यह चक्र जल तत्व का है और इस चक्र का स्वरूप अर्धचंद्राकार है। इस चक्र से अवहेलना, सामान्य बुद्धि का अभाव, आग्रह, अविश्वास, सर्वनाश और क्रूरता, ये भावनाएं नियंत्रित होती हैं। इसी चक्र से व्यक्ति के भीतर काम भाव और उन्नत भाव जागृत होता है। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद, प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती की प्रधानता रहेगी। यह सब करते ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन इसकी आदत अच्छी नहीं है। इस आदत पर नियंत्रण रख इस चक्र को जागृत किया जा सकता है। इसके जागृत होने पर क्रूरता, आलस्य, गर्व, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। यह चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। यह चक्र 10 पंखुड़ियों वाला होता है तथा इस चक्र का बीज मंत्र रंग है। इस चक्र की आकृति त्रिकोण है और रंग लाल रक्त के समान है। यह चक्र ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। यहीं से सारे शरीर में ऊर्जा का संचरण होता है। यह अग्नि तत्व को नियंत्रित करता है और रास्तिक गुण से संपन्न है। इस चक्र से लज्जा, दुष्ट भाव, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विषाद, कषाय, तृष्णा, मोह, घृणा, भय आदि भावनाएं नियंत्रित होती हैं। मन या शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव सीधा मणिपुर चक्र पर पड़ता है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित रहती है, उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं तथा ये लोग दुनिया के हर कार्य को करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाकर पेट से श्वास लेने से यह चक्र जागृत हो जाता है। इस चक्र के जागृत होने से तृष्णा,
ईर्ष्या, लज्जा, भय, मोह आदि दूर हो जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, चौथा चक्र है अनाहत चक्र। यह चक्र हृदय के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। इस चक्र में 12 पंखुड़ियां होती हैं तथा इस चक्र को सौरमंडल भी कहा जाता है। इसका वर्ण हल्का हरा है और इसका आकार षटकोण है। इस चक्र का बीज मंत्र यंग है। इस चक्र से आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, विवेक विकलता, अहंकार, लोलता, कपटता, वितर्क, अनुताप आदि वृत्तियां नियंत्रित होती हैं। मानसिक अवसाद की दशा में इस चक्र पर गुरु ध्यान और प्राणायाम करना अद्भुत परिणाम देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यहीं से साधक के सतोगुण की शुरुआत होती है। इसी चक्र से व्यक्ति की भावनाएं और अनुभूतियों की शुरुआत होती है। यदि आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे और हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते होंगे। हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि में सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाकर अभ्यास करने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसके सक्रिय होने से कपट, हिंसा, चिंता, मोह, दम, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। यह चक्र जागृत होने पर व्यक्ति के पास स्वतः ही ज्ञान प्रकट होने लगता है तथा व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वासी, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार होने लगता है एवं भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्ति बन जाता है। पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र। यह चक्र कंठ के ठीक पीछे स्थित है। यह चक्र बहुरंगा है और इसका कोई एक खास स्वरूप नहीं होता है। इसका बीज मंत्र है हं तथा इस चक्र की 16 पंखुड़ियां हैं। इस चक्र से भौतिक ज्ञान, कल्याण, महान कार्य, ईश्वर में समर्पण, विष और अमृत आदि वृत्तियां नियंत्रित होती हैं। यह चक्र आकाश तत्व और 8 सिद्धियों से संबंध रखता है तथा संगीत के 7 सुर इसी चक्र से उत्पन्न होते हैं। कुंडली शक्ति का जागरण होने से जो ध्वनि आती है वह इसी चक्र से आती है। इस चक्र के गड़बड़ होने से वैज्ञानिक रूप से थायराइड जैसी समस्याएं और वाणी की विकृति पैदा होती है। यह चक्र और भी उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूतियां देता है। सारी की सारी सिद्धियां इसी चक्र में पाई जाती हैं। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अधिक शक्तिशाली होंगे। कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होता है। मनुष्य को इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र। यह चक्र दोनों भवों के बीच स्थित होता है। यह 2 पंखुड़ियों वाला होता है। एक पंखुड़ी काले रंग की है तो दूसरी पंखुड़ी सफेद रंग की है। सफेद पंखुड़ी ईश्वर की ओर जाने का प्रतीक है और काली पंखुड़ी सांसारिकता की ओर जाने का प्रतीक। इस चक्र के 2 अक्षर और 2 बीज मंत्र हैं, हं और छंग। इस चक्र का कोई ध्यान मंत्र नहीं है क्योंकि यह 5 तत्वों और मन से ऊपर होता है। इस चक्र पर मंत्र का आघात करने से शरीर के सारे चक्र नियंत्रित होते हैं। इसी चक्र पर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आकार खुल जाती हैं और मन मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय है तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे बौद्धिक सिद्धि कहते हैं। भ्रकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। यहाँ अपार शक्तियाँ और अपार सिद्धियाँ निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से ये सभी शक्तियाँ जाग पड़ती हैं और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। सातवां चक्र है सहस्रार चक्र। मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से पर अर्थात जहाँ चोटी रखते हैं ये वहाँ स्थित होता है।
इसलिए इसे सहस्रार कहा जाता है। यह सहस्र पंखुड़ियों वाला होता है और यह बिल्कुल उजले सफेद रंग का होता है। इस चक्र का ना तो कोई ध्यान मंत्र है और ना ही कोई बीज मंत्र। इस चक्र पर केवल गुरु का ध्यान किया जाता है। कुंडलिनी जब इस चक्र पर पहुंच जाती है तब जाकर वह साधना की पूर्णता पाती है और मुक्ति की अवस्था में आ जाती है। इसी स्थान को तंत्र में काशी कहा जाता है तथा इस स्थान पर सद्गुरु का ध्यान या कीर्तन करने से व्यक्ति के मुक्ति मोक्ष का मार्ग सहज हो जाता है। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। लगातार ध्यान करते रहने से मनुष्य जब मूलाधार से होते हुए सहस्रार तक को जागृत कर लेता है तब व्यक्ति परम हंस के पद को प्राप्त कर लेता है। शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैवी विद्युत का संग्रह है। यही मोक्ष का द्वार है। मित्रों, मन भी एक चक्र है और मन से बड़ा कोई चक्र और शक्ति नहीं है। सभी धर्म और संस्कृतियों में यह एक विस्तृत समझ है कि हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफें हैं वे सब हमारे अपने कर्मों का फल है। वैसे ही कोई भी लाभ हानि खुशी प्रेम और संतुष्टता का आधार ही कर्म है। परंपरागत रीत से समय चक्र अपने चार भागों के साथ घूमता रहता है। जो मन स्थिति के परिवर्तन का प्रतीक है उस विशेष समयावधि में देखा जाए तो चक्र की कोई शुरुआत और अंत नहीं है। क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की एक निरंतर एवं शाश्वत कड़ी है जिसकी गुणवत्ता हमारे अपने हाथ में है। बदलती ऋतुएं एवं तत्वों की अखंडता समय के साथ पृथ्वी का बाह्य स्वरूप बदल देती हैं। प्रकृति के भ्रष्ट होने का प्रेरक स्रोत मनुष्य का मन है। जब मनुष्य का मन शुद्ध पवित्र एवं उसकी सोच उच्च होती है तब पृथ्वी भी सुदृढ़ होती है। इसके विपरीत जब मनुष्य की सोच अशुद्ध और नीच होती है तब पृथ्वी का अस्तित्व भी प्रदूषित और भ्रष्ट हो जाता है। जब मनुष्य अपना दैनिक जीवन इस समय चक्र के अनुसार व्यतीत करता है तब वह एक विस्तृत दृष्टिकोण मन में बनाए रखता है। ऐसे मनुष्य को यह आभास रहता है कि उसके सोच और कर्म का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वे यह समझते हैं कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना है और स्वयं को आगे के शिखर पर बढ़ते हुए देखते भी हैं। प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है। जो मनुष्य इन सात चक्रों को जागृत करने के साथ अपने मन को भी नियंत्रित कर लेता है उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। तो दोस्तों, आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो की जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।